सकती थी। बट जावेद भाई, जो बात विजय जी जितने कैटेगोरिकली कह रहे हैं और जितने इम्फेटिकली विवेक जी ने कहा था, ये दोनों दो अलग अलग पर्सपेक्टिव है। आप अपने को इस पर्सपेक्टिव में कहां पाते हैं? क्या विवेक जी के साथ है जो कहते हैं भाई 2024 के बाद अगर नरेंद्र मोदी आ गए तो फिर हिंदू राष्ट्र घोषित हो सकता है, क्योंकि 100 साल आरएसएस को होने वाले हैं, ये डर उनके मन में है? विजय जी कह रहे हैं इनके एजेंडे में ही नहीं है। देखिए विजय जी, बीजेपी और आरएसएस को हमसे और आपसे बेहतर समझते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो मैं जानकारी रख समझता हूँ, ये वाटर टेस्टिंग आदमी तभी करता है जब कुछ होता है दिमाग दिमाग में। इसको ये ट्रायल बलून है, देख रहे हैं इस पर कैसा रिएक्शन होगा। रंजन गोगोई ने, चलिए विवेक देबोराय का पता नहीं कितना असर है नहीं है, कितना रियल कितना परसीव्ड है मुझे नहीं पता, लेकिन जगदीप धनखड़ वो तो इस मास्टर्स वॉइस हैं, वो लाइक की एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए गए हैं। रंजन गोगोई भाई, बात हो रही थी दिल्ली प्रदेश में अफसरों पे किसका असर होगा स्थानांतरण पे, उन्होंने ला दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर के, तो कहीं तो कुछ है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। हाँ, जिसकी पर्दादारी है, कुछ है जिसकी। अब अभी लाएंगे 2026 में लाएंगे, ला पाएंगे नहीं ला पाएंगे ये सब चीज़ें काल्पनिक हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इनके दिलो दिमाग में है। अच्छा, अगर ये हिंदू राष्ट्र इन एज मैनी वर्ड्स, इंडिया इज नो लॉन्गर ए सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बट ए हिंदू राष्ट्र, हो सकता है इन लफ्ज़ों में ना हो, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस उस हद 60-70% तो उस मुकाम पर पहुँच गए हैं, जो बाकी 30-40% है उसको इंस्टेटेड फॉर्म कर देंगे। अब उसके उसके माने उसके लफ्ज़ क्या होंगे, उसकी क्या प्रैक्टिकलिटी होगी, लेकिन ये दिलो दिमाग में इनके है। इन चीज़ों को इन्होंने अभी ट्रायल बलून पर छोड़ा है, इन प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस इनके बड़े जिम्मेदार अहदेदार आरएसएस के और बीजेपी के लोगों को साउंड आउट करते हैं, और हमको आपको नहीं साउंड आउट करते हैं, बट पीपल जिनकी आवाज़ में वजन है, जिनकी हुज वॉइस कैरीज वेट, उन लोगों को भी साउंड आउट किया गया है, उनसे बात की गई है और बड़े हाई लेवल पे बात की गई है। कुछ ऐसे लोग जो पहले अहदेदार रह चुके हैं उनको उनसे भी घुमा फिरा के इस चीज़ पे उनके दिलो दिमाग को टटोला गया है कि इसकी कितनी संभावना है, हो जाएगा तो क्या होगा, नहीं और ये नहीं तो और कैसे करें जो ऐसा हो, बिकॉज जो एग्जिस्टिंग संविधान है उससे बीजेपी और आरएसएस को उनको बेचैनी है, उनको 100% एक्सेप्टेंस नहीं है इसको, इन्होंने जैसे हम और आप उसको लॉक स्टॉक और बैरल एक्सेप्ट कर चुके हैं, वो और ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट कर चुकी, इन्होंने उस तरीके से नहीं किया, इनको कहीं ना कहीं वो बात खटकती है। ठीक है, आपने कहा कहीं ना कहीं बात खटकती है। विवेक जी कुछ इंटरवीन करना चाहिए, विवेक जी प्लीज करिए, फिर मैं राकेश जी के पास जाता हूँ। मैं विजय जी की जो बात है उसके बारे में कहूंगा, हिंदू राष्ट्र कल्चरली तो हम हजारों सालों से हैं, अब आप नया क्या अचीव करना चाहते हैं? ये अगर कल्चरल हिंदू राष्ट्र की हम बात करते हैं तो हजारों साल से है, फिर आप 100 साल से कैंपेन किस बात का चला रहे हैं? क्या आप कल्चरल हिंदू राष्ट्र स्थापन करना चाहते हैं? आप खुद ही कहते हैं कि हजारों सालों से हम कल्चरली एक है, हम जियोग्राफिकली पॉलिटिकली एक नहीं थे कभी, वो तो ब्रिटिश आने के बाद हम हुए, लेकिन कल्चरली तो हम हजारों सालों से एक है, ये तो आप आरएसएस वाले तो हमेशा ही कहते हैं। तो अभी जो हिंदू राष्ट्र की आप बात कर रहे हैं वो कल्चरल हिंदू राष्ट्र कैसे, वो आप तो पॉलिटिकल या फिर इसी तरह का कुछ हिंदू राष्ट्र आप चाहते हैं जहां पर हिंदुओं की चलेगी, जहां पर माइनॉरिटीज जो है वो सेकेंडरी सिटीजन रहेंगे, इस तरह की बात लिखी हुई है, इनके लिटरेचर में लिखी हुई है, तो उसको कैसे नकारा जा सकता है? तो हिंदू राष्ट्र वो पॉलिटिकल हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, इसके बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए, वो स्पष्ट रूप से उन्होंने कई बार कहा भी है। बिल्कुल विवेक जी, आपकी इस बात के मैं आगे बढ़ाता हूँ कि हमारे पास जो कि इस वक्त दो कानूनविद हैं, वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं, तो उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या ये फिजिबल भी है या फिजिबल नहीं है। राकेश जी आपकी क्या राय? देखिए मैं एक शब्द बोलूं कि अगर ये फिजिबल है या नहीं है तो फिजिबल है। क्यों फिजिबल है? इसका कानूनी आधार है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब क्लोज हुई थी, वाइंड अप हुई थी, तो उस वक्त उन्होंने साफ कह दिया था कि अभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर जो है वो इंडियन पार्लियामेंट में रहेगा, संसद में रहेगा, तो वो बात तो बहुत क्लियर है। अब सवाल है कि ये अगर मेरा भी दिमाग सोचने के लिए मजबूर है कि अगर ये करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, क्या तरीका हो सकता है,
वर्तमान संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर का एक है, रिस्ट्रिक्शंस है, और जब तक कि बेसिक स्ट्रक्चर नहीं हटेगा तब तक ये जो चाहते हैं, जैसी चर्चा हमारे साथी कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं या रूप बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए तो ये सेकुलर शब्द को हटाना पड़ेगा संविधान से, और सेकुलर बेसिक स्ट्रक्चर में है तो बेसिक स्ट्रक्चर ही टच नहीं कर सकते हैं। तो लॉजिकली ये लगता है कि अगर इनको किसी भी तरह से हिंदू राष्ट्र बनाना है तो ये प्रेजेंट संविधान में पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर का इशू है, तो उनको संविधान चेंज करना ही पड़ेगा। अब संविधान कैसे चेंज किया जा सकता है? देखिए, संविधान ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं किया जा सकता है, होते हैं, बहुत कंट्री में हुए हैं, बहुत जगह बहुत ज्यादा ज्यादा जल्दी जल्दी होते हैं, लेकिन भारत जो जिस कंट्री से अपना कंपैरिजन कर सकता है वो बड़े राष्ट्रों से कर सकता है। भारत कोई बनाना रिपब्लिक से अपना कंपैरिजन या श्रीलंका, सोमालिया, पाकिस्तान से नहीं करेगा। तो जो बड़े राष्ट्रों की स्थिति आप देखिए, अमेरिका, कनाडा, वहां पर तकरीबन 2 साल से, कहीं 150 साल से है संविधान चल रहा है। जापान में 1947 से संविधान चल रहा है, फ्रांस में 58 से चल रहा है, और लंदन और सॉरी इंग्लैंड की बात हम जानते हैं कि संविधान शुरू से ही है वहां पर। तो अगर संविधान की ऐसी कोई आयु सीमा नहीं होती है, विवेक ओबराय जो भी है, देवराय ने अपने आर्टिकल में लिखा था कि एवरेज एज जो है 17 ईयर्स की है, मुझे बड़ी शर्म आई थी सोच के कि 17 ईयर्स वो कैसे एवरेज एज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन निकाले थे। जाहिर है कि इंडिया का कंपेरिजन बहुत ही घटिया देशों से किए थे। अब जहां तक हमारी समझ है कि भारत का संविधान बहुत राज्यों से, बहुत देशों से लिया गया है, उनके जो अच्छे तत्व थे उनको, उनका समावेश किया गया है। तो कहाँ कहाँ से लिया गया था हमें तो पता है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, आयरलैंड से था, कनाडा से था, फ्रांस से था, अमेरिका से था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 35 एक्ट से था, ब्रिटेन से था। तो क्या वहाँ पर जो संविधान चल रहे हैं क्या उनकी आयु मात्र 17 साल की है? तो वो तो बहुत ही ज्यादा ही एक वीक आर्गूमेंट था। तो मैं ये नहीं मानता कि भारत में एक संविधान की मियाद अब पूरी हो गई है। भारत संविधान ऐसे भी काफी फ्लेक्सिबल है, और एक डाटा से मैं आप बता सकता हूँ कि विश्व में जो सबसे ज्यादा अमेंडमेंट किसी भी संविधान में हुए हैं तो भारत का संविधान है, वो चल रहा है। लेकिन अब ये कहना कि टेक्निकली ये पॉसिबल है कि नया संविधान बनाने का हो रहा है, क्यों है, मैं इस पर एक तर्क देना चाहता हूँ। संविधान किसने बनाया है? वी द पीपल का संविधान है। अगर वी द पीपल चाहेंगे संविधान में तो भी देंगे। अब कैसे बदलेंगे? क्या इस पार्लियामेंट को ये क्या पावर है कि वो कंस्टिट्यूएंट पावर में वो नया संविधान लिख सकती है? नया संविधान लिखने के लिए एक कुछ तो कंस्टिट्यूशनल मोरालिटी होनी चाहिए। वो क्या होगी कि कम से कम भारत के का बहुमत जनता, नॉट द बहुमत इन लोकसभा, लोकसभा में तो 30% वोट लाके भी आप 2/3 बहुमत ले लेते हैं, तो वो एक करेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं है। अगर आपको संविधान संशोधन करना है, अगर कुछ कंस्टिट्यूशनल मोरालिटी है तो ठीक है, आप एक वो करा दीजिए, एक जनमत संग्रह करा दीजिए। जनमत संग्रह कराने के बाद अगर इस तरह का कुछ होता है कि भारत में 70% लोग ये बोल रहे हैं संविधान चेंज होना चाहिए, तो होना चाहिए, क्योंकि विविध पीपल का संविधान है, अगर लोग चाहते हैं। लेकिन ये लोग चाहते हैं ये भाजपा नहीं कर सकती है, क्योंकि भाजपा पूरे भारत का नेतृत्व नहीं कर रही है, न उसका प्रतिनिधित्व करती है। भारत में जो जनता है उसकी अलग अलग राय होती है, तो एक रायशुमारी होनी चाहिए। हासी के संविधान ऐसा, अगर आप कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इमोरालिटी करेंगे, जैसे एक सिंपल सा कोई अमेंडमेंट ले आएंगे, एक लाइन लिख देंगे कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूशन की आयु सीमा जो है 2024 के 31 दिसंबर को खत्म होगी, वो एक सिंपल सा अमेंडमेंट ले आएगा 2/3 बहुमत करके, तो वो एक इमोरल एक्ट है। ठीक है, उसको हम दोबारा कोर्ट में चैलेंज करेंगे तो 5 साल चलता रहेगा। मेरा ये मानना है कि नंबर 1 असंभव नहीं है, नंबर 2 आवश्यक नहीं है, लेकिन नंबर 3 अगर करना है तो जनता के पास सॉवरेंटी है, जनता चाहे तो संविधान बदल सकती है। इसलिए कैसे बदलेगी? रायशुमारी होनी चाहिए, और अगर जो इनकी जो मंशा है तभी ये संविधान चेंज करेंगे, क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र लिखवाना है संविधान में तभी आवश्यक होगा, अन्यथा तो सिंपल अमेंडमेंट से जो भी चाहे कोई भी पार्टी की सरकार हो वो अपने अपना संविधान संशोधन करके अपना काम चला ही रही है, आगे भी चला रही है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।